आज हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में सर्कल स्टार्ट करेंगे। हमारा जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सर्कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सर्कल क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, है ना। डेफिनेशन क्या होता है, सर्कल के डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो सर्कल इज द लोकस, सर्कल इज लोकस, सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स, which moves in a plane, in a plane, in such a manner, in such a manner that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point in the same plane remains always constant, in the same plane remains always constant, ठीक है, always constant. Fixed point is called center, fixed point is called center, fixed point is called center, and fixed distance is called its radius. Fixed distance is called its radius, ठीक है, its radius. एक क्या होता है, एक यहाँ पे एक प्लेन है, इसमें एक पॉइंट फिक्स है, और एक पॉइंट ऐसा है जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर रह रही है। यहाँ पे जाएगा, अगर मान लीजिए दो यूनिट है, तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट पहुंचेगा तो भी दो यूनिट होना चाहिए, यहाँ पे जब पहुंचे तो भी दो यूनिट होना चाहिए वो पॉइंट, यहाँ पे जब पॉइंट पहुंचे तो भी इसकी डिस्टेंस इससे कितनी होनी चाहिए, टू यूनिट होनी चाहिए। इसको हम लोग जो है, ये जो इस पॉइंट ने ये जो लोकस ट्रेस किया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर, है ना, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये सर्कल की डेफिनेशन हो गई। सर्कल क्या होता है, सर्कल उस पॉइंट का लोकस होता है, लोकस मतलब उस पॉइंट का पाथ होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि जिसके एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या बनी रहे, सेम बनी रहे, मतलब कॉन्स्टेंट बनी रहे, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, अब सर्कल की डेफिनेशन तुमने पढ़ लिया, अब सर्कल के इक्वेशन हम निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। तो पहला केस ये है कि अगर सर्कल का सेंटर सपोज ओरिजिन पे हो, सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पे हो, ओरिजिन पे हो, ठीक है, और इसका रेडियस कितना हो, आर हो, इसका रेडियस कितना हो, आर हो। तो देखिए ये सर्कल का इक्वेशन मुझे निकालना है, सर्कल का सेंटर सपोज सी कितना है, जीरो जीरो, और इसका रेडियस कितना है, आर है। इस पॉइंट जो आर्बिट्ररी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब जो सीपी डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। इसका मतलब सीपी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर के स्क्वायर के बराबर होगा। सीपी का स्क्वायर अगर डिस्टेंस फार्मूला से हम सीपी का स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कितना होता है, जीरो जीरो, और जिसका रेडियस कितना होता है, आर होता है, ठीक। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए सेंटर जीरो जीरो ना होके इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे हो जाए, एच कामा के पे हो जाए, एच कामा के पे हो जाए, और उसका जो रेडियस हो वो कितना हो, आर हो। तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब सर्कल का सेंटर और रेडियस दिया होगा तो इन दोनों में से हम, अगर सर्कल का सेंटर जीरो जीरो है तो सीधे हम उसका इक्वेशन लिख क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर सर्कल का सेंटर जीरो जीरो के अलावा दूसरा कोई पॉइंट है, एच का मा के है, तो उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट हमें जो है, अब अगर सर्कल के, एक सर्कल का इक्वेशन मुझे निकालना है, तीसरा पॉइंट है, एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है, उसके लिए कंडीशन क्या दी हुई है, उसके जो डायमीटर है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। सपोज ये डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट्स मतलब ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए कितने, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, इन डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या गिवन होगा, एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होंगे, तो इसका इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन जो होता है वो हो जाता है एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो।
सर्कल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। बहुत ही आसान है इसको डिराइव करना। देखिए इसको अगर हम इससे ज्वाइन करवा दें और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम एक्स कॉमा वाई ले लें तो ये जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे हम लोग, इस पॉइंट इसका स्लोप मान लीजिए एपी का स्लोप निकालेंगे और बीपी का स्लोप निकालेंगे, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस वन आएगा। तो इसको जैसे ही आप लगाएंगे तो इसका स्लोप मैं लिखूंगा तो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। और अगर इसका स्लोप मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, वाई माइनस वाई टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन। ये राइट में भेज देते हैं तो वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू राइट में कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, जिसका मैंने डेरिवेशन आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गई बातें जो है, जब सर्कल का इक्वेशन निकालना जबकि सेंटर जीरो जीरो हो और रेडियस आर हो, दूसरी बात जब सर्कल का सेंटर एच कामा के हो और रेडियस कितना हो आर हो, और तीसरी बात जब सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हो, तो तीन तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल चुके हैं, ठीक। अब हमें पढ़ना है जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होता है, देखिए जनरल इक्वेशन सर्कल का मतलब जो भी चीज अभी हमने पढ़ी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो भी मैंने पढ़ा अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दूसरा क्या पढ़ा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सभी जैसे लाइन में देखिए कोई भी लाइन का डिफरेंट डिफरेंट हम फॉर्म पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लाइन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे ही मुझे सर्कल का कोई जनरल फॉर्म लिखना है, जो भी सर्कल का इक्वेशन हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे उन सभी का एक कॉमन फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से आएगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी इक्वेशन जो होगा जो टू डिग्री का है, उसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, कुछ एक्स का टर्म होगा, कुछ वाई का टर्म होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू जीरो होगा। एक खास बात और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये सर्कल का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। और ऐसे सर्कल का अगर मुझे सेंटर निकालना हो, ऐसे सर्कल का मुझे क्या निकालना हो, सेंटर निकालना हो, तो सेंटर आता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ का मतलब क्या हो गया, माइनस टाइम जी कौन है, जी है एक्स के कोफिशियंट का हाफ, हाफ टाइम्स कोफिशियंट ऑफ एक्स, हाफ टाइम्स माइनस हाफ टाइम्स कोफिशियंट ऑफ एक्स, और ये माइनस हाफ टाइम्स कोफिशियंट ऑफ वाई, ठीक है। तो कभी अगर ऐसा दिया हो तो उसका सेंटर हम निकाल सकते हैं। और रेडियस निकालने का फॉर्मूला है इसका, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो कोई भी जैसे मान लीजिए मुझे ये सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसका सेंटर मुझे निकालना है, तो सेंटर में क्या लिखूंगा, माइनस हाफ टाइम्स कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना फोर, ठीक है, और माइनस हाफ टाइम्स कोफिशियंट ऑफ वाई कितना है सिक्स है, ठीक। तो कितना आ गया सेंटर, माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। अब इसका रेडियस निकालना है, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट, ठीक है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब कितना आ जाएगा, जी का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर प्लस एफ स्क्वायर नाइन माइनस सी कितना है, सी कितना है नाइन है, तो ये कितना हो गया फोर, फोर का स्क्वायर रूट कितना आ गया टू। तो सर्कल का सेंटर कितना आ गया, माइनस टू का माइनस थ्री, और उसका रेडियस कितना आ गया टू हो गया। ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अगर कभी कभी मान लीजिए कि यहाँ पे कोफिशियंट दे दिया, इसने ऐसा दे दिया कि टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम देखिए टू से डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कितने से डिवाइड कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद इस फार्मूले को आप लगाएंगे। डायरेक्ट इस फार्मूले को नहीं लगाएंगे, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ आता है इसमें, क्योंकि हमने ये रिजल्ट कब बनाया, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितने हो, वन वन हो, तो वन वन बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को टू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे, सेंटर माइनस जी माइनस एफ और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए अगली बात हम पढ़ने जा रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी मीनिंग ये होगी किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं किस फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में। अभी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, देखिए जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा
और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा मैंने इसमें लिखूं, तो देखिए हमने यहाँ पे यक्स और यक्स को हमने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, थीटा के फॉर्म में। यक्स किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, और वाई किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो यक्स और वाई को हमने एक तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो उस तीसरे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, और इस इन दोनों कंबाइंड इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। और इसको जो है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा को अगर हम कोऑर्डिनेट्स में लिखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखिए इसको कुल मिला के इसका कंक्लूजन क्या हुआ, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर कितना है जीरो जीरो, और इसका रेडियस क्या है आर। तो इसका इक्वेशन लिखने का दो तरीका होगा, एक तरीका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म में भी इसके इक्वेशन को लिखा जा सकता है, कैसे लिखोगे आप, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इस दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज जीरो जीरो एंड रेडियस इज व्हाट आर। ठीक है, और इस पे कोई एक आर्बिट्री पॉइंट मुझे लिखना हो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे आर साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। सपोज आपको एक सर्कल दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, ठीक, और एक पॉइंट आपको दे दिया जाए 2, 3। कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए ये पॉइंट सर्कल के भीतर लाई करेगा या सर्कल के बाउंड्री पर लाई करेगा या सर्कल के बाहर लाई करेगा, तो उसी को पहचानना आपको इस टॉपिक में, यही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए जनरल में अगर बात लिखूं तो सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आप आर स्क्वायर को लेफ्ट में बुला लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको सपोज हम कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज यस नाम मैं देता हूँ, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं नाम क्या देता हूँ, एस दे देता हूँ। ठीक, अब इसमें आपको करना क्या है ना, मैं एस वन निकालूंगा। एस वन का मतलब ये हो गया कि अगर मुझे चेक करना है, मुझे चेक करना है कि पॉइंट जो है एक्स वन वाई वन पॉइंट मुझे दिया होगा और सर्कल का इक्वेशन दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस सर्कल के इक्वेशन में एक्स जहां पे हम कितना रखेंगे एक्स वन और वाई के जगह क्या रखेंगे वाई वन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एस वन, स्टैंडर्ड वाले को क्या बोलेंगे एस बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे एस वन बोलेंगे। ठीक, तो अगर एस वन क्या आ गया ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जो पॉइंट पॉइंट होगा पॉइंट विल बी आउटसाइड, पॉइंट विल बी आउटसाइड ऑफ द सर्कल, पॉइंट विल बी आउटसाइड ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो पॉइंट पी होगा एक्स वन वाई वन, ये आउटसाइड होगा कब, जब एस वन की वैल्यू कितनी होगी ग्रेटर देन जीरो। अगर एस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया इसका मतलब पॉइंट विल बी ऑन द सर्कल, पॉइंट विल बी ऑन द सर्कल। ठीक है, पॉइंट विल बी ऑन द सर्कल। तीसरी बात अगर हम कहें, अगर एस वन कितना आ गया लेस देन जीरो, इसका मतलब पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। आइए एग्जांपल करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो सबसे पहले हम यस निकाल लेते हैं, यस बना लेते हैं, यस का मतलब नाइन को इधर बुला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नाइन हो गया। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे एस वन निकालेंगे, एस वन का मतलब क्या हो गया एक्स यहाँ पे रखना टू और वाई यहाँ क्या रखना थ्री, तो कितना हो गया फोर प्लस नाइन माइनस नाइन। ठीक है, कितना आ गया एस वन, एस वन आ गया फोर विच इज पॉजिटिव नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो, एस वन ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है वो इस सर्कल के क्या होगा बाहर लाई करेगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। अब देखिए हम अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, अगला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अतः इसके लिए हम लोग समझते हैं पहले इसको। सपोज एक सर्कल मुझे दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए एक लाइन मैं तीन पोजीशन ले लेता हूँ लाइन का, एक ऐसे में लाइन ले लेता हूँ, एक मैं ऐसे लाइन ले लेता हूँ और एक लाइन में ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, इसका सेंटर सेंट है, सेंटर कितना है जीरो जीरो। ठीक है, इसका सेंटर कितना होता है जीरो जीरो। अब देखिए मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूं इस पे लाइन एल वन पे, और यहीं से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं किस पे लाइन L2 पे, और यहीं से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं किस पे लाइन L3 पे। ठीक, तो देखिए ये जो यहां मान लीजिए मैं वो सेंटर को ले देता हूं O से, इसने सपोज P पे कट किया, इसने Q पे, और यहां पे क्या है R है सपोज। तो देखिए अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें उस लाइन पे, और वो जो लेंथ आप परपेंडिकुलर आना चाहिए अगर वो क्या आ गया लेस देन रेडियस आ गया, ये जो लेंथ आप परपेंडिकुलर है मतलब ओपी है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है ओपी,
ओपी क्या आ गया, वो रेडियस से क्या आया, कम आया। इसका मतलब कि L1 जो है ना वो क्या है, सेकंड है। L1 हमारा क्या है, सेकंड लाइन है, ठीक। और अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया, यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और किसके बराबर आ गया, रेडियस के बराबर आ गया। इसका मतलब L2 लाइन जो है हमारी होगी वो क्या होगी, टेंजेंट होगी, ठीक। और अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 0 0 से ड्रॉ किया, इसमें जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आया अगर वो क्या आ गया, आर से क्या आ गया, ज्यादा आ गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर से क्या आ गया, ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये लाइन ना तो सेकंड है ना तो टेंजेंट है, ना इधर सेकंड नॉट टेंजेंट, ना इधर सेकंड नॉट टेंजेंट, ठीक है। तो देखिए टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि अगर मान लीजिए कि सपोज एक मैं सर्कल दे देता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक सपोज लाइन है ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इसके लिए टेंजेंट कब बनेगी, टेंजेंट कब बनेगी, मतलब ये इसमें क्या कंडीशन हम लगाए हैं, सी की क्या वैल्यू हो जिसके लिए इसके लिए क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, 0 0 से। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, रेडियस के बराबर आना चाहिए। तो 0 0 से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाया था, लाइन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब x हम कितना रखेंगे, 0, और y हम कितना रखेंगे, 0। तो 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट x के कोफिशियंट का स्क्वायर और y के कोफिशियंट का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, ये रेडियस के बराबर आना चाहिए। अगर ये लाइन को टेंजेंट बनाना है आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का टेंजेंट तब होगा जब 0 0 से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और किसके बराबर आ जाए, रेडियस के बराबर आ जाए। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, आर आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक। इसका इस्तेमाल क्या होता है, कभी कभी ये कह देते हैं ना कि एक लाइन, एक सर्कल दे देते हैं हम लोग, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक लाइन हम दे देते हैं, लाइन का इक्वेशन ये लिख देंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस लैम्डा, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा। ये पूछेंगे क्वेश्चन इस तरीके से कि बताइए ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट कब बनेगी, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये लाइन इस सर्कल का क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो बस यही आपको फार्मूला लगाना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। सी क्या है, लाइन जब लिखा गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी के यहाँ पे कितना लैम्डा है, और यहाँ पे आर क्या है, रेडियस, रेडियस यहाँ पे कितना है, 3 है। कंपेयर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर से, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका स्लोप कितना होगा, m हो गया, मतलब कितना होगा, 3 हो गया। तो अगर इस फार्मूले में अगर हम रखें तो सी स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 9, और 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 9, ठीक है। तो कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस 9 10, 10 इंटू 90, 10 इंटू 9 कितना हो गया, 90। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट 90। तो अगर लैम्डा प्लस माइनस अंडर रूट 90 होगा तो ये जो लाइन है इस सर्कल के लिए क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। अब देखिए मैं नेक्स्ट पढ़ना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके लिए, सर्कल के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म्स। पहला है पॉइंट फॉर्म, पहला है पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म क्या होता है कि एक सर्कल है, सपोज सर्कल का इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस पे एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, एक्स वन वाई वन, ठीक है। और इस एक्स वन वाई वन पर आपको क्या क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आपको। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट कहाँ पे लाई करना चाहिए, सर्कल पे लाई करना चाहिए, और उस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब करना क्या है, एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे एक्स एक्स वन, जहाँ पे एक्स तो एक्स ही है, एक्स वन कौन है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको एक्स कोऑर्डिनेट। फिर वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे वाई वाई वन से, और आर स्क्वायर की तरह रहेगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी जो है मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में ना होके वो जनरल फॉर्म में आ जाए, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। पहले इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसके पॉइंट 1, 1, ठीक है, 1, और
वन कॉमा रूट एट, वन कॉमा रूट एट, क्या ये पॉइंट इस पर लाई करेगा? चेक करिए, एक्स का स्क्वायर कितना हो गया वन, वाई का स्क्वायर कितना हो गया एट, वन प्लस एट कितना हो गया नाइन, तो लाई कर रहा है। इसके इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स और एक्स वन की जगह क्या लिखूंगा वन, एक्स एक्स वन प्लस वाई लिखूंगा और वाई वन की जगह क्या लिखूंगा रूट एट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन, मतलब कितना होगा एक्स प्लस रूट एट वाई इज इक्वल टू नाइन। ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन, इस सर्कल के पॉइंट वन कॉमा रूट एट पे टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ गया एक्स प्लस अंडर रूट एट वाई इज इक्वल टू नाइन। ध्यान में ये रखना है कि ये फॉर्म हम लोग तभी लगाते हैं जब वो पॉइंट उस सर्कल पे क्या करता हो, लाई करता हो, ठीक है। तो ये पॉइंट फॉर्म हो गया। अगला फॉर्म जो हमारा है ना अगला, अच्छा इसके लिए बता दें, अभी हमने जनरल फॉर्म की बात कर ले, मान लीजिए एक सर्कल इस फॉर्म में ना हो के, सर्कल हमारा किस फॉर्म में हो, सर्कल हमारा अगर हो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस सर्कल के पॉइंट एक्स वन वाई वन पे मुझे क्या लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। मुझे क्या लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कैसे ध्यान में रखना है, देखिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है आपको एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को आपको रिप्लेस कर देना है वाई वाई वन से, ठीक है। एक्स को रिप्लेस आपको कर देना है एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, और वाई को आपको रिप्लेस कर देना है वाई प्लस वाई वन बाई टू से, ठीक है। और प्लस सी तो आपका सी तो सी ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, सपोज सर्कल का इक्वेशन है, सपोज सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। इसके किसी पॉइंट पे सपोज वन कॉमा टू पे क्या लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सर्कल है ये एक सर्कल, हम इसके एग्जांपल करने जा रहे हैं, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसके पॉइंट टू कॉमा वन पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले देखिए ये आपको श्योर होना चाहिए ना कि ये जो पॉइंट इस सर्कल पर लाई करता है कि नहीं करता है, क्योंकि इस पर लाई करेगा तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टू टू जा कितना हो गया फोर, फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव, फाइव माइनस फोर कितना हो गया वन, वन प्लस फोर कितना हो गया फाइव, फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई करता है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन से, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे एक्स वन से कितना लिखेंगे टू लिखेंगे, मतलब कितना हो गया टू एक्स, ठीक है। पहला क्या होगा टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर को हटाएंगे और वहां क्या लिखेंगे वाई वाई वन, मतलब वन इंटू वाई कितना हो गया वाई फिर, ठीक है। माइनस टू टाइम्स एक्स को हटाएंगे और वहां पर क्या लिखेंगे एक्स प्लस एक्स वन, एक्स वन कितना है टू, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू लिखेंगे, ठीक। और y को हटाएंगे यहां से और क्या लिखेंगे y प्लस वाई वन, वाई वन कितना है वन, वाई वन कितना है वन, और डिवाइडेड बाई कितना लिखना है टू, और कॉन्स्टेंट्स को एज इट इज लिख देना है, मतलब माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो देखिए ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये टू टू जाए कितना हो गया फोर हो गया, कितना हो गया टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई, फिर कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू वाई प्लस टू माइनस फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो टू एक्स माइनस एक्स कितना हो गया एक्स, वाई प्लस टू वाई कितना हो गया थ्री वाई, ठीक है। और फिर माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, इस सर्कल के पॉइंट टू कॉमा वन पर टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आपको चेक करना है कि आपने सही निकाला कि नहीं निकाला, तो देखिए वही जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, इसका सेंटर ढूंढ लीजिए, इसका सेंटर कितना होता है, इसका सेंटर मैंने आपको बताया था माइनस जी माइनस एफ इसका सेंटर होता है, ठीक है। इसका मतलब टू कॉमा माइनस टू, सॉरी वन कॉमा माइनस टू, इसका क्या होगा सेंटर होगा। और अगर रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर कितना हो गया जी स्क्वायर मतलब वन प्लस फोर फाइव, फाइव माइनस फाइव मतलब फाइव प्लस फाइव कितना टेन है ना, अंडर रूट टेन इसका क्या हो गया रेडियस हो गया। और जो टेंजेंट आपने लिखा है वो कितना लिखा है एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आपने सही निकाला टेंजेंट का इक्वेशन, तो सेंटर से इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो रेडियस के बराबर आना चाहिए। आई ड्रॉ करते वन प्लस माइनस टू रखा तो वन माइनस सिक्स हो गया, वन माइनस सिक्स, ठीक है। और माइनस फाइव डिवाइडेड बाई अंडर रूट,
कितना जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 9, तो ये आएगा, ये आएगा हमारा कितना आ गया, 1 माइनस 6 माइनस 5, माइनस 5 माइनस 5 कितना हो गया -10, उसका मॉड से बाहर आ गया तो 10 अपॉन अंडर रूट 10, और ये कितना आ गया अंडर रूट 10, तो देखिए रेडियस के बराबर आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। तो अगर कोई लाइन किसी सर्कल के लिए टेंजेंट है तो उस पर अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो रेडियस के बराबर आना चाहिए। तो हमने दो तीन चीजें कवर कर लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जबकि उस पर एक पॉइंट दिया हो सर्कल पे तो वहां पर टेंजेंट इक्वेशन का इक्वेशन लिखना हमने आपको सिखाया कैसे लिखते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कोई लाइन किसी भी सर्कल का टेंजेंट तब बनती है जब उसके सेंटर से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और रेडियस के बराबर आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। अब देखिए सर्कल का पहले जो भी सर्कल दिया हो उसके सेंटर और रेडियस को पहचान लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 है, इसको कंपेयर कर दें किससे, सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे कंपेयर करें तो g की, देखिए x का कोएफिशिएंट तो यहां पे है नहीं, इसका मतलब g की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और y का कोएफिशिएंट 2f, यहां पे y का कोएफिशिएंट -4, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -2, कांस्टेंट टर्म यहां पे है नहीं, कांस्टेंट कितना होगा, 0। सर्कल का सेंटर कितना होता है आपको मालूम है, सर्कल का सेंटर कितना होता है, -g -f, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया, -g का मतलब 0, -f का मतलब 2, सेंटर 0 2 हो गया। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर की बात करें 0 प्लस एफ स्क्वायर मतलब 4, माइनस सी की बात करें कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कितना हो गया 0, मतलब कुल मिला कितना हो गया 2, रेडियस 2 हो गया। अब देखिए हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि अगर ये कोई लाइन है, ये सर्कल का टेंजेंट तब बनती है जब सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाए, रेडियस के बराबर आ जाए, ठीक। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना कितने से, 0, 2 से, किस पे ड्रॉ करना है, लाइन कौन सी है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, तो वाई, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने जा रहे हैं, कितना x जब कितना रखेंगे 0, तो कितना हो गया 0, y जब कितना रखेंगे 2, तो -2 प्लस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये तो आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, रेडियस के बराबर आना चाहिए, रेडियस कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को हमने कितना रख दिया, 2 रख दिया, रेडियस के बराबर आना चाहिए 2, और यहाँ पे कितना बचा है, c माइनस टू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा, सी माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर रूट ले लेकर दोनों तरफ तो सी माइनस टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और 2 को अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो यही सी की वैल्यू है जिसके लिए ये लाइन इस सर्कल क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। ये क्वेश्चन और अच्छा तब होता जब यहाँ पे स्लोप की कुछ वैल्यू अगर ये दे देते तो जो है ये क्वेश्चन ज्यादा और अच्छा आपको जो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू और अच्छे से आ जाती। फिलहाल इन्होंने स्लोप को यम रखा है, इसलिए आंसर भी किसके फॉर्म में आया, यम के फॉर्म में आया है। अब देखिए पढ़ने जा रहे हैं कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, देखिए एक सर्कल है सपोज, और सर्कल पे एक पॉइंट वाले कोई पॉइंट है बाहर से जिसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इस पे अगर हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम रख दिया हमने P, यहाँ पे सपोज ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसका नाम हो गया A है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया नाम हो गया P, तो PA जो लेंथ है ना इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये जो PA और PB होता है ना ये आपस में बराबर होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों का लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, बराबर होता है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके लिए तरीका क्या होता है, अगर सर्कल का इक्वेशन दो तरीके से दिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो भी कांस्टेंट है उसको हम लेफ्ट में बुला के उसको हम नाम दे देंगे s1, इसको हम as नाम बना देंगे, s जैसे इसको बनाना तो s क्या लिखेंगे हम लोग, s लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसके लिए s लिखना है तो क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वाले पार्ट को हटा देते हैं, ठीक। ये यस हो गया, तो जो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है ना उसके लिए फार्मूला है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आता हुआ था अंडर रूट s1। एस वन क्या है, जो पॉइंट x1 y1 इसमें रख देंगे, जैसे इसमें हम x1 y1 रख दें, ये s1 बन जाता है, कितना बन जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको हम s1 मानेंगे। एक एग्जांपल में करके दिखाता हूं, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 टू द सर्कल सपोज x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट आउटसाइड है कि नहीं है, पहले चेक कर लो आप। ठीक है, अगर इनसाइड हुआ तब तो हम टेंजेंट ही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और अगर पॉइंट जो है कहाँ पे लाई होगा, सर्कल पे लाई होगा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए अगर ये फॉर्मूला लगाना तो ये पॉइंट सर्कल क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो कैसे चेक करोगे, 4 + 9 = 13, 13 - 9 = 4 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसके बाहर होगा। अभी हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, ये पॉइंट बाहर है। अब मैं यहाँ पे से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ। तो यस क्या बनाएंगे हम, यस बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, इसको इधर बुला लिया। पॉइंट कितना है 2, 1, यस 1 बना लेते हैं। एक्स जहाँ कितना रखेंगे 2, कितना हो गया 4, और प्लस कितना हो गया 3, वाई जहाँ रखेंगे 3, तो 9 - 9। ठीक है, कट गया, कितना आ गया 4 आ गया, यस 1 कितना आ गया 4। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है, अभी आपने पढ़ा था फार्मूला, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एस 1, तो कितना हो गया अंडर रूट 4, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। एक्चुअली होता क्या है ना, देखिए अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हो तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स होते हैं। बहुत सारे सर्कल्स इसके इंटरसेक्शन से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। देयर आर फैमिली ऑफ सर्कल्स मुझे मिलता है ना। तो सपोज अगर एक सर्कल का इक्वेशन है S1 इज इक्वल टू 0, दूसरे सर्कल का इक्वेशन है S2 इज इक्वल टू 0, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन होता है S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू सर्कल्स S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0। दो सर्कल S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0 दिया होगा, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनेटली मेनी सर्कल्स पास हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी सर्कल्स का कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स आपको मिलेगा ना, डिफरेंट डिफरेंट और क्या मिलेंगे, सर्कल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी यूनिक सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो उसमें जो है क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी होगी लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल which passes through the intersection of two circles x square plus y square is equal to 9 and x square plus y square is equal to 4 and also passes through 3, 1। ये 3, 1 लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जो सभी सर्कल्स है उसका इक्वेशन लिखते हैं। S1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, कॉन्स्टेंट को लेफ्ट में बुला लेते हैं तो वो S1 हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स S2 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये जितने भी सर्कल इन दोनों के इंटरसेक्शन से जितने सर्कल पास हो सकते हैं उन सभी के फैमिली का इक्वेशन हमने लिखा। अब ये मुझे उस यूनिक सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो 3, 1 से पास होता है। तो x जहां पर हम 3 रखेंगे, y जहां पर 1 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, प्लस लैम्डा टाइम्स फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, -1/6, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, -1/6। अब लैम्डा की वैल्यू यहां पे लिख देंगे -1/6, तो हमें यूनिक सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हो तो इनके बीच का एंगल निकालना। तो देखिए दो सर्कल के बीच में एक्चुअली एंगल नहीं निकाला जाता है, सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट करती है ना वहां पे हम पहले सर्कल के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक, और दूसरे सर्कल के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट के बीच में जो एंगल आता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल ऐसे हों, दो सर्कल ऐसे दिए हों कि सपोज ये C1 है, ये C2, इसका सेंटर C1 C2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो, d हो, पहले का रेडियस कितना हो R1, दूसरे का रेडियस क्या हो R2, तो इन दोनों सर्कल के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R1 R2। तो दो अगर सर्कल दी हुई हैं जिसका मुझे सेंटर पता हो जाएगा, अगर सर्कल का इक्वेशन मालूम है
तो उसका मुझे क्या पता चल जाएगा, सेंटर पता चल जाएगा और रेडियस पता चल जाएगा। तो जो सेंटर पता चल जाएगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि डी आ जाएगा। आर वन आर टू मुझे बताइए, तो दो सर्कल के बीच का हम लोग क्या निकाल पाएंगे, एंगल निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए है कि अगर दो सर्कल जो है, अगर आर्थोगोनली कट करते हो, कंडीशन फॉर आर्थोगोनल इंटरसेक्शन ना, कंडीशन फॉर आर्थोगोनल इंटरसेक्शन, आर्थोगोनल कंडीशन फॉर आर्थोगोनल इंटरसेक्शन, आर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो अगर दो सर्कल्स हैं जो आर्थोगोनली कट करते हैं, दूसरे को आर्थोगोनली कट करते हैं, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कंडीशन मुझे निकालना है। सपोज दो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी वन एक्स प्लस ट्वाइस एफ वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा सर्कल अगर सपोज है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये दो कंडी ये दो सर्कल जो ऑर्थोगोनली तब कट करेंगे जब ये कंडीशन होल्ड होगा, ट्वाइस जी वन जी टू प्लस ट्वाइस एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। अगर ये कंडीशन होल्ड होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों सर्किल हैं, ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, कट करते हैं। मतलब अगर जहां पे कट करते हैं वहां पे हम टेंजेंट बनाएं, तो टेंजेंट के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तभी आता है जब ये कंडीशन क्या होता है, होल्ड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो कट्स आर्थोगोनली। अगर ये दो सर्कल आर्थोगोनली कट करते हैं, एम की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इसको हम कंपेयर कर देंगे, किससे कंपेयर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स। देखिए टू जी वन की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव, इसका मतलब जी वन कितना हो गया, फाइव बाई टू, एफ वन कितना हो गया, थ्री बाई टू, सी वन कितना हो गया, सेवन, फिर एफ टू कितना हो गया, सॉरी जी टू कितना हो गया हमारा, माइनस फोर, एफ टू कितना हो गया हमारा, एफ टू कितना हो गया, थ्री, और सी टू कितना हो गया हमारा, एम। और हमने कहा था कि दो सर्कल ऑर्थोगोनली तब कट करते हैं जब टू जी वन जी टू प्लस ट्वाइस एफ वन एफ टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। ठीक, तो रखते हैं वैल्यू ट्वाइस टाइम्स, जी वन कितना है, फाइव बाई टू, जी टू कितना है हमारा है, माइनस फोर, प्लस टू टाइम्स एफ वन कितना है, थ्री बाई टू। ठीक है, एफ टू कितना है, थ्री इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू कितना है, सेवन प्लस एम। ठीक, ये टू टू से कैंसिल हो गया, फाइव फोर जा माइनस ट्वेंटी, ठीक, टू टू से कैंसिल हो गया, प्लस कितना हो गया, नाइन इज इक्वल टू सेवन प्लस एम। तो यहाँ से माइनस ट्वेंटी प्लस नाइन माइनस इलेवन और माइनस सेवन इज इक्वल टू एम, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एट्टीन। ठीक है, तो एम की वैल्यू जब माइनस एट्टीन होगा तो ये दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, देखिए दो सर्कल को दिया होगा तो उसको हम कंपेयर किससे कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, इससे कंपेयर करेंगे। और दूसरे सर्कल को क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी टू एक्स प्लस टू एफ टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। इससे देखिए पहले वाले को कंपेयर किया तो टू जी वन की जगह पर क्या लिखा हुआ था, फाइव, तो इसका मतलब जी वन की वैल्यू कितनी होगी, फाइव बाई टू। सिमिलरली एफ वन की वैल्यू थ्री बाई टू और सी की वैल्यू कितनी होगी, सेवन। सिमिलरली ये जी टू की वैल्यू माइनस फोर, एफ टू की वैल्यू थ्री और सी टू की वैल्यू कितनी हो गई हम। इसके बाद ये कंडीशन है किसके लिए, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन है, इसमें वैल्यूज को रखा हमने और एम की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एट्टीन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सर्कल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैराबोला स्टार्ट करेंगे।